थी, हमारे बच्चों ने मेहनत की थी, रात रात भर हमारे बच्चों के पेरेंट्स जागे थे अपने बच्चों के साथ, टीचर्स ने मेहनत की थी, प्रिंसिपल्स ने मेहनत की थी, आप उनका मजाक उड़ा रहे हो। हमारे स्कूलों में 320 से ज्यादा बच्चे जेई एंट्रेंस क्लियर किया है उन्होंने, इंजीनियर 400 से ज्यादा बच्चों ने इंजीनियरिंग का एग्जाम आईआईटी का, मैं आईआईटी से हूं, आईआईटी का एग्जाम क्लियर किया उन बच्चों ने। आईआईटी का एग्जाम क्लियर करना आसान नहीं होता, उन बच्चों की मेहनत का मजाक उड़ा रहे हो आप, उन बच्चों के पेरेंट्स की मेहनत का मजाक उड़ा रहे हो आप। मैं उनसे कहना चाहता हूं, आपको अमित शाह जी, आपको क्या पता शिक्षा होती क्या है? इस शिक्षा को आप अपने गंदी राजनीति का हिस्सा मत बनाइए। आप लोगों की इतनी राज्यों में सरकारें हैं, केंद्र में सरकार है, एक स्कूल दिखा दीजिए जो आपने ठीक कराओ, पूरे देश के अंदर एक स्कूल दिखा दो जो आपने ठीक कराओ। और मैं आज आपको आमंत्रित कर रहा हूं, चलिए मेरे साथ सरकारी स्कूलों के अंदर चलिए। सुबह से शाम तक आप इतना नेगेटिविटी के बीच में जीते हैं, मैं आपको हमारे कॉन्फिडेंट बच्चों से मिलवाऊंगा, वो आपको थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी देंगे। मैं आपको हमारे प्राउड पेरेंट्स से मिलवाऊंगा, मैं अपने प्राउड टीचर्स से आपको मिलवाऊंगा, वो आपको थोड़ी पॉजिटिविटी देंगे, अच्छा लगेगा आपको। आइए हमारे साथ। मैं सभी बच्चों से पूछना चाहता हूं, दिल्ली के जितने बच्चे हैं, 16 लाख बच्चे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब आपने कल टीवी के ऊपर अपने गृह मंत्री का बयान सुना, अमित शाह जी का बयान सुना, अमित शाह जी कह रहे थे कि स्कूल खराब है, पढ़ाई खराब है, दिल्ली में पढ़ाई का बेड़ा गर्क किया, मैं उनसे पूछना चाहता हूं आपको कैसा लगा जब आपने अमित शाह जी का ये बयान सुना। मैं पेरेंट्स से, टीचर्स से पूछना चाहता हूं कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो, क्या आपको लगता है कि गृह मंत्री को आपकी मेहनत का इस तरह से मजाक उड़ाना चाहिए? क्या आपको लगता है कि अमित शाह जी ठीक कर रहे हैं जब वो आपकी मेहनत का मजाक उड़ा रहे हैं? 5 साल के अंदर आपने इतनी कड़ी मेहनत करके इतना अच्छा काम किया है। मैं उन्हें कहना चाहता हूं अमित शाह जी को, पॉजिटिव राजनीति करिए, आइए पॉजिटिव राजनीति करते हैं, शिक्षा के ऊपर पॉजिटिव राजनीति करते हैं। आप यूपी के स्कूल अच्छे करिए, आप हरियाणा के स्कूल अच्छे करिए, और यूपी हरियाणा छोड़िए, आप एमसीडी के स्कूल अच्छे कर दीजिए, दिल्ली में एमसीडी आपके पास है, एमसीडी के स्कूल अच्छे कर दीजिए, और फिर आप आके कहिए चुनाव के अंदर कि केजरीवाल आओ मेरे एमसीडी के स्कूल देखो और अपने दिल्ली सरकार के स्कूल देखो। ये पॉजिटिव राजनीति है, आइए पॉजिटिव राजनीति करते हैं। इस तरह से बच्चों के, टीचर्स के और पेरेंट्स की मेहनत का मजाक उड़ाना जो 5 साल में उन्होंने अचीव किया है, ये सही नहीं है, देश के लिए अच्छी चीज हो रही है, इसमें सबको साथ मिलके काम करना चाहिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, 5 साल एमसीडी, 5 साल गया एमसीडी, तो पिछले 15 साल से एमसीडी में बीजेपी की सरकार है, आपने कभी एक स्कूल की सुध ली 15 साल? 5 साल के अंदर, चलो आप 5 साल से हो, 5 साल में आपने एक भी एमसीडी के स्कूल की सुध ली, तो फिर आपका शिक्षा में इंटरेस्ट ही क्या है? आप तो केवल चुनाव के अंदर गंदी राजनीति करने के लिए आ गए हैं। तो मैं उनसे हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं कि स्कूलों पे राजनीति करिए, पर गंदी राजनीति मत करिए, अच्छी पॉजिटिव राजनीति करिए, जिससे देश का भी भला होगा, सबका भला होगा। अगर इस पे कोई क्वेश्चन है तो आप। सर, किस नेगेटिव राजनीति का जिक्र आप यहाँ पर कर रहे हैं? स्कूलों का जिक्र तो है ही, लेकिन अपनी रैलियों में जाकर जहाँ हम देख रहे हैं वहां पर सीए भी बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, तो आप किस नेगेटिव राजनीति का जिक्र कर रहे हैं? हम स्कूलों के नेगेटिव राजनीति का जिक्र कर रहे हैं कि स्कूलों के ऊपर जिस तरह से उन्होंने मजाक उड़ाया है हमारे बच्चों का, 16 लाख बच्चों की मेहनत का मजाक उड़ाया है, उनके पेरेंट्स की मेहनत का मजाक उड़ाया है, टीचर्स का मजाक उड़ाया है, उनकी पूरी मेहनत को उन्होंने नकार दिया है। मैं उन बच्चों से आज पूछना चाहता हूं कि आपको कैसा लग रहा है जब आप टीवी के ऊपर अपने गृह मंत्री को आपकी मेहनत का मजाक उड़ाते हुए देख रहे हो, क्या आपको अच्छा लग रहा है इस बारे में? ऐसे नहीं करना चाहिए। सर, एक अलग सवाल है इससे, अभी इस पे कर लेना, फिर अलग भी कर लेंगे, मुझे पता है आप क्या पूछ रहे हो। फिर लगा रहा था, स्कूलों में कोई इंटरेस्ट नहीं आपको, थोड़ा सा स्कूल की भी कर लेते, फिर सीए एनआरसी भी कर लेंगे, वही पूछना है ना? हाँ, तो वो करते हैं। अभी स्कूल में भी इंटरेस्ट नहीं, बच्चों की एक आपके लिए खुशखबरी है, आज हरशरण सिंह बल्ली साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत बड़े नेता हैं दिल्ली के, और इनका पार्टी के अंदर स्वागत है,
पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं 93 से 98 तक, चार बार विधायक रह चुके हैं हरिनगर से, तो हम इनका पार्टी में आज स्वागत करते हैं। इनके आने से हमारी पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी। हमारे साथ मुक्ता नागपाल जी हैं, ये निगम पार्षद 2012 में सुभाष नगर से थी, ये भी आज हमारी पार्टी ज्वाइन कर रही हैं। दोनों का पार्टी में बहुत बहुत स्वागत है, मैं इनको पार्टी में शामिल करता हूँ। सर थोड़ा पास में आकर बैठो यार, नीचे बैठो प्लीज, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। ए सर सर नीचे हो यार, पुलिस साहब खड़े हो जाओ, ठीक है आप खड़ा हो जाओ। यार मोबाइल से दोस्त से कर, that was Delhi CM Arvind Kejriwal evoking the issue of educational reforms. He made a direct attack on Home Minister Amit Shah, asking him not to politicize the issue of education. He also listed out the work done by the AAP government in the field of education. Yesterday, Amit Shah took a jibe on the state of Delhi schools, and today Kejriwal has hit back and has also urged Shah to do positive politics and asked him to improve the state of schools in BJP-ruled states and also MCD-run schools in Delhi. And he also alleged that MCD schools have been neglected by the BJP since 5 years. And that was Arvind Kejriwal listing out all the achievements of Aam Aadmi Party in the field of educational reforms.